नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमालयन ट्रैवलॉग। सो गाइस, आपको पता है कि लॉकडाउन हिमाचल में खुल चुका है। हिमाचल के जो बाउंड्री थी वो अदर स्टेट के लिए खुल चुकी है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं एक प्लेस है जो हमारे सोलन के काफ़ी नज़दीक है, एक डेस्टिनेशन है, तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। तो इस डेस्टिनेशन का नाम है चाइल। तो आज मैं चाइल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और चाइल में क्या क्या चीज़ें फेमस। सो दोस्तों, चाइल में 3 से 4 चीज़ें हैं देखने वाली जो कि यहाँ के वर्ल्ड फेमस है। जैसे कि एक आपका हो गया स्टेडियम है क्रिकेट का, जो कि हमारे जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में उस टाइम का, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है वो चाइल में है। और एक काली माता का मंदिर है जिसको यहाँ पे काली का टिब्बा बोला जाता है। तो आज हम वो दोनों प्लेस और जो आपका चाइल की मार्केट है, चाइल का पैलेस है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो और आप भी इस प्लेस का जो आप आनंद है, लुफ्त है, वो उठा सकते हो। तो आप इस प्लेस को मेरे साथ एक्सप्लोर करिए आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम जो अपने चाइल्ड के रास्ते में थे और एक जगह आती है साधु पुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। तो साधु पुल फेमस है इस रिवर के लिए और इसके साइड में जो भी हमारे हट्स है इसके लिए फेमस है। तो ये कैंपिंग की एक छोटी सी साइट है जो हमारे चाइल्ड के रास्ते में आती है। तो आप इसको यहाँ पे रुक के थोड़ा हॉल्ट ले सकते हो, तो इसको आप इंजॉय कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। और
आज का पहला ब्रेक ले लिया है, सवेरे से कुछ खाया नहीं था तो भूख लग रही है, तो हम खाने के लिए लाए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके आए हैं। थोड़ी देर में हम खाना खा के निकल जाएंगे और चाइलिया से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर रहा है, तो होप सो कि 15-20 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। फिर आपको बताता हूँ आगे का क्या प्लान है। तो अभी देखो कि मैं क्या क्या लेके आए हूँ खाने के लिए। तो दोस्तों ये अपना फ्यूलिंग स्टेशन है, जैसे हम पेट्रोल भराया और अभी हमने साइड से देखा कि कितना सही व्यू आ रहा है। पूरा ये देखो, पूरे देवदार के पेड़ हैं बीच में, तो घर आपको कैसे लग रहे हैं वहाँ पे। वो आपको जो ये पहाड़ है, ये शिमला है, शिमला आपको यहाँ से दिखेगा नीचे। पूरा देखो कि वैली कैसी लग रही है। और यार इट्स अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ऊपर आके मौसम ठंडा हो गया, तो अभी चलते आगे चाय की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली मंदिर में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे कोविड के चलते हुए यहाँ पे कई जगह लिखा है कि आपको रेलिंग को टच करना मना है, घंटी बजाना मना है। तो माता का मंदिर पीछे आप देख सकते हो, और जो माता के मंदिर की घंटी थी वो कवर है। सो भी चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू बताऊँगा कि कैसा है। तो लेट्स गो। दोस्तों आप लोगों को जैसे पता कि कोविड की सिचुएशन, वैसे तो हिमाचल बंद था बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आई थिंक 1 वीक अगो अपने जो हिमाचल के बॉर्डर थे वो बाकी स्टेट्स के लिए खोल दिए। तो आप लोग भी अब हिमाचल में आ सकते हो और यहाँ का एंजॉय कर सकते हो, बट आपको रिस्ट्रिक्शन में रहना होगा जो भी कोविड के लिए, जो भी लोकल आपका प्रशासन होगा जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए होंगे तो आपको उसमें रहना होगा, बट आप हिमाचल में आ सकते हो। फाइनली दोस्तों मंदिर के दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि अश्विनी कट। वहाँ पे भी एक हेरिटेज मंदिर है, तो वहाँ पे चल के आपको मैं बताता हूँ कि कैसा मंदिर है। तो चलते हैं वहाँ को, और इस मंदिर में आके अपनी जो पुरानी यादें कॉलेज टाइम की वो होगी ताज़ा, क्योंकि हम कॉलेज टाइम में इस मंदिर पर आया करते थे। बट वो टाइम और ये वाला टाइम बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great.
बात ऐसी है कि मैंने आपको एक जगह बताई थी अश्विनी घाट, वहाँ जाने के लिए हमने एक शॉर्टकट ले लिया चाइल से, उस पर लिखा था 25 किलोमीटर, बट बात ये होगी कि वो शॉर्टकट पड़ गया हमें लॉन्ग कट। एक आदमी ने बोला कि 5-6 किलोमीटर का ऑफ रोड है, बट पूरा का पूरा आई थिंक 3-4 किलोमीटर का जो आपका रोड था बाकी सारा ऑफ रोड था, और पूरा ऐसे ऐसे पहाड़ हम चढ़ के आए, पास पास में दिख नहीं रहा है, पीछे नदी पार करनी पड़ी है, पुल जो एक तरफ से टूट चुका है, और सीन कुछ ऐसा होगा कि बाइक हल्की सी एक जगह स्कीट होगी, थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे लग गई है, और बाइक को ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट ये एक मिरर है ये टूट गया। तो भैया ऑफ रोड जो हमारा था भैया वो मान नहीं सकते कि कैसा था, पूरा एकदम मतलब 45-50 डिग्री का स्टीप था पूरा, उस पर छोटे छोटे वो पत्थर थे, और एज यू नो कि KTM जो है वो एक ऑफ रोडर नहीं है, वो एक ट्रैक मशीन है, और इसका टायर हो जाते हैं भाई स्केट, तो पहले गेयर पे मुझे लेके आना पड़ा, और आज का सारा टाइम यहीं पे निकल चुका है। कभी आगे का देखता हूँ कि क्या बनता है, अश्विनी खड़ा आज जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, या तो देखूँगा कल परसों तक अगले ब्लॉग में उसके बारे में आपको बता दूँगा। तो चलो अब चलते हैं जल्दी से, अब थक चुका हूँ। बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि जो अपना मोहन हेरिटेज पार्क था वो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अश्विनी घाट में, और अराउंड इट्स 5:30 हो चुके हैं, बट ये मंदिर जो है वो 7 बजे तक खुला है, तो अभी इन्होंने टेम्परेचर हमारा चेक कर लिया, तो अभी हम चलेंगे अंदर। जो हमने एक रोड गलत ले लिया था उसके कारण हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, बट फाइनली वी डिड इट, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। और इस मंदिर की खासियत मैं ये बताऊं कि मंदिर जो है यहाँ पे आपको हिंदू जो गॉड है उनकी मूर्तियाँ मिलेंगी आपको 4 से 6 फीट की, 108 तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे, 108 तरह के देवी देवता यहाँ पे, और इसलिए ये मंदिर फेमस है। और इसका इनॉग्रेशन आई थिंक 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मंदिर को हमने अंदर से देख लिया है, और मंदिर वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, और जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं सब मार्बल की बनी हैं, और जितने भी हिंदू जो हमारी कल्चर है उसमें जितनी भी देवी देवता हैं वो सभी मूर्तियाँ अंदर थी, शिव जी, गणेश भगवान, हनुमान जी, माता जी, सबकी मूर्ति थी। और आप हम बिलीव नहीं कर सकते कि अंदर कितना अच्छा काम हुआ, कितनी अच्छी नक्काशी हुई है। आप डू विजिट करिए, एक बार यहाँ पे आइए सोलन में, और एक बार इस मंदिर को ज़रूर देखिए। आप लोगों से यही विनती है।
मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बट इस मंदिर की जो नक्काशी है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसी नक्काशी वैसे तो मैंने दिल्ली में देखी है, जो कि हमारा अक्षरधाम टेम्पल है तो वहाँ पर देखी है। आप एक बार आपका यहाँ पे आना ज़रूर बनता, तो आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे आके विजिट। जी एक बात और कि कोरोना टाइम है तो आप अपने प्रिकॉशन लेके आइए, हमें भी मास्क कंपलसरी था यहाँ पे, बट अभी मैं बोल रहा हूँ तो मास्क में इतनी आवाज़ आ नहीं रही है, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मास्क खोल के मैं अपना आपको बीच बीच में बोल रहा हूँ, तब फिर से अपना मास्क लगा लें। तो दोस्तों आज का दिन बहुत एग्जॉस्टेड था और आज पूरा थक चुका हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में निकला था रूम से और अभी अराउंड 6:15 हो चुके हैं और मंदिर बंद होने का भी टाइम। तो इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों, बाय बाय।